मैं इसमें यूपी भी कवर करूंगा, दिल्ली भी कवर करूंगा, एमपी भी कवर करूंगा और हरियाणा भी कवर करूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ बताना था, जुडिशरी गोल्ड बाय टॉप रैंकर्स आप लोगों के लेके आया फ्री डेमो क्लासेस फॉर लॉ ग्रेजुएट फॉर सिविल जज, और आज ही रजिस्ट्रेशन करें, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। और ये लोअर डिवीजन के लिए है जो स्टेट गवर्नमेंट पेपर कंडक्ट कराती है, कई जगह हाईकोर्ट पेपर कंडक्ट कराते हैं, जैसे राजस्थान में हाईकोर्ट पेपर कंडक्ट कराता है, कई जगह स्टेट गवर्नमेंट पेपर कंडक्ट कराती है जो कि वहां की पब्लिक सर्विस कमीशन होती है। और इस प्लेटफॉर्म में एमपी, डीजेएस, हरियाणा जुडिशरी, राजस्थान जुडिशरी, यूपी जुडिशरी, उत्तराखंड जुडिशरी, झारखंड जुडिशरी, छत्तीसगढ़ जुडिशरी, बिहार जुडिशरी और हिमाचल प्रदेश जुडिशरी, आपको सारे इन स्टेट की प्रिपरेशन कराई जाती है। तो जुडिशरी गोल्ड बाय टॉप रैंकर्स ने 250 प्लस सिलेक्शन दिए हैं और लास्ट 3 साल में, तो आप अपनी स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। और एक कॉम्प्रीहेंसिव स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, कॉम्प्रीहेंसिव बैचेस हैं, 1-to-1 डाउट क्लियर करते हैं, मॉक टेस्ट होता है रेगुलर बेसिस पे, लाइव क्लासेस चलती हैं। तो लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आज ही ज्वाइन करें। नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। आज आपके लिए काफी अच्छा वीडियो लेके आया हूँ, अपकमिंग जुडिशरी का एग्जाम 2023-2024। तो वीडियो विदाउट स्किप करके देखना, मैं इसमें यूपी भी कवर करूंगा, दिल्ली भी कवर करूंगा, एमपी भी कवर करूंगा और हरियाणा भी कवर करूंगा। और हरियाणा का तो मैंने आपको लेटेस्ट ऑफिशियल अपडेट दिया था, बट मैं इस वीडियो में वापस, अगर वो वीडियो नहीं देखा हो तो मैं इस वीडियो में एग्जैक्ट जो ऑफिशियल चीजें थी वो इस वीडियो में ही बता दूंगा। तो हरियाणा का तो ऑफिशियल चीजें हैं सारी, जो हुआ है सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, हरियाणा का, दिल्ली का ही बताऊंगा, राजस्थान का ही बताऊंगा, यूपी का ही बताऊंगा, एमपी का ही बताऊंगा, और एमपी का आपको सबको बताया कि क्या चल रहा है और क्यों इतना लेट हो गया। तो सबसे पहले हरियाणा की बात कर लेते हैं, जो ऑफिशियल चीज है उसकी बात कर लेते हैं। तो ये फोटो देखो आप, हरियाणा सिविल जज जूनियर डिवीजन पदों की भर्ती को हरी झंडी। ये सुप्रीम कोर्ट में गया था मैटर, एक बार ब्रीफ कर देता हूं इस वीडियो में। सुप्रीम कोर्ट में गया था मैटर, हरियाणा गवर्नमेंट ने पिटीशन फाइल करा की थी कि हम ही पेपर कंडक्ट कराएं, वैसे दोनों मिलकर पेपर कंडक्ट कराते थे, जो वहां की हाईकोर्ट है ऑनरेबल और वहां की गवर्नमेंट है, बट हरियाणा गवर्नमेंट चाहती थी कि वो ही पेपर कंडक्ट कराए, तो इसमें पिटीशन फाइल की गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था उसपे, तो मैं पढ़ के बता देता हूँ। देयर इज अर्जेंट नीड टू एंश्योर एग्जिस्ट, मतलब वैकेंसी नंबर ही बता रहा हूँ मैं आपको, 175 वैकेंसी ऑफ जूनियर सिविल जज फील्ड एट अर्लीस्ट स्टेट गवर्नमेंट शेल देयर विद इन अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स, जो उसके बाद ये हो गया, हरी झंडी मिल गई थी। ये पहले का है जजमेंट, तो ये विद इन 2 वीक्स कहा था कि आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, तो स्टेट गवर्नमेंट ने हरी झंडी भी दे दी और रूल्स भी अमेंड हुए हरियाणा में। अब हिंदी में भी पेपर होगा और हरियाणा से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे अब पेपर में, जो प्री मेंस होता है ना हरियाणा का, उसमें हरियाणा से रिलेटेड भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, मेंस में ही मिलेंगे और हिंदी में ही पेपर होगा। पहले इंग्लिश में ही होता था पेपर हरियाणा जुडिशरी का, अब हिंदी में भी होगा। तो ये बहुत अच्छी चीज हुई है, जो बच्चे हिंदी में पेपर देना चाहते हैं, पहले हिंदी वाले बच्चे नहीं दे पाते थे हरियाणा का, जैसे राजस्थान का पेपर हिंदी में भी होता है इंग्लिश में भी होता है, अब हरियाणा का भी सेम होगा। अब 175 प्लस वैकेंसी तो आएंगी, और जो ये फोटो है ना, या फोटो वापस देखो जो मैंने लगाई थी, इसमें 241 पदों पे लिखा हुआ है हरी झंडी का, तो आप ये मान के चलो 175 वैकेंसी तो आएंगी आएंगी, तो बम्पर वैकेंसी आने वाली है इन सारी स्टेटों में। और मैंने आपको कितनी वैकेंसी खाली है किस स्टेट में, मैंने उस पर वीडियो बना रखा है डिटेल में, अगर चाहो तो वो देख लेना जाके वीडियो, नहीं तो उसकी फोटो भी मैं इस वीडियो में लगा दूंगा अगर वो वीडियो नहीं देखा हो तो। तो हरियाणा की वैकेंसी तो आपको बहुत जल्दी देखने को मिलने वाली है। अब बात करते हैं आरजेएस की, जो बहुत बच्चे देते हैं आरजेएस का जो पेपर है ना, हरियाणा वाले भी देते हैं, दिल्ली वाले भी देते हैं और एमपी वाले भी देते हैं, यूपी वाले भी देते हैं, पंजाब से भी देने आते हैं, और इन स्टेटों का तो मुझे पता है। अगर और किस कहीं स्टेट से भी देने आते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, राजस्थान जुडिशरी का पेपर कौन कौन कहाँ से देने आता है, तो पता भी तो चले बच्चों को, हाँ इतनी दूर से राजस्थान जुडिशरी का पेपर देने आता है। देखो आरजेएस की वैकेंसी आपको इस साल के एंड तक देखने को मिल जाएगी, बट पेपर अगले साल तक ही होगा। या तो आरजेएस की वैकेंसी देखने को मिलेगी या हायर जुडिशरी की वैकेंसी देखने को मिलेगी राजस्थान में, क्योंकि स्टेनोग्राफर का पेपर कंप्लीट हो चुका है शायद। अब हाईकोर्ट प्रमोशन जो हो रहा है ना सिविल जज के, उसमें लगा हुआ है, और इस बार तो प्रमोशन करने में 4 जजमेंट भी मांग रहे हैं, ये तो ऐसा कभी पहले नहीं हुआ था कि प्रमोशन कर देते लिस्ट आउट हो जाती थी, बट इस बार 2 क्रिमिनल 2 सिविल जजमेंट भी मांगे जा रहे हैं सिविल जज से, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, जो इनको एसीजेएम प्रमोट किया जाएगा। अगर और किसी कैटेगरी में मांगे गए हैं वो उसका मुझे आइडिया नहीं है, बट जुडिशियल मजिस्ट्रेटों से जजमेंट मांगे जा रहे हैं राजस्थान में। राजस्थान
हाईकोर्ट ने, ऑनरेबल हाईकोर्ट ने जजमेंट मांगे हैं चार, और सबको पर्सनल मेल किया गया है, तो वो मेल तो मैं नहीं लगाऊंगा आपको, बट ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। तो प्रमोशन से रिलेटेड मैं अभी चल रहा है वहां पे, तो आपको या तो हायर जुडिशरी की वैकेंसी देखने को मिलेगी या लोअर जुडिशरी की वैकेंसी देखने को मिलेगी राजस्थान में। तो अभी मान के चलो राजस्थान में वैकेंसी आने वाली है, जो भी आएगी वो आपको मैं बता दूंगा, टाइमली अपडेट दे दूंगा, और ये ऑफिशियल अभी हुआ है, तो जो ऑफिशियल है वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। और राजस्थान में अभी कोई 3 साल वाला एक्सपीरियंस नहीं होगा जैसे एमपी में हुआ है, तो ऐसा कोई न्यूज नहीं आ रही सुनने को, बट हाँ बहुत सारी चीजें हुई थी राजस्थान में, आपको अभी पता भी है, 2 जजों को डिस्चार्ज किया गया अपनी ड्यूटी से, कईयों को सस्पेंड भी किया गया, आपने न्यूज देखी हो, अखबार पढ़ते हो, तो बहुत सारी चीजें हुई है, कईयों को चार्जशीट भी मिली है, तो बहुत सारी चीजें हुई है राजस्थान में। बट हाँ अभी ऐसा कुछ नहीं है कि 3 साल का एक्सपीरियंस ऐड हो जाएगा, तो आप बेफिक्र रहे, और राजस्थान में अपेयरिंग वाले भी फिल कर सकते हैं, अगर जिसका फाइनल ईयर चल रहा है, लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, उसका रिजल्ट नहीं आया, वो पेपर फिल कर सकता है, मतलब फॉर्म फिल कर सकता है राजस्थान में। और अपेयरिंग का मतलब यह है कि मेंस तक आपका फाइनल रिजल्ट आउट हो जाए, अगर मेंस तक रिजल्ट नहीं आ रहा आपका तो आप फिल मत करना, प्री तो दे सकते हो आपकी मर्जी है, बट मेंस तक आपका फाइनल रिजल्ट आउट हो जाए इसका मतलब यह है। केवल राजस्थान ही एक ऐसी जहां अपेयरिंग वाले फिल कर सकते हैं राजस्थान गवर्नमेंट, मतलब राजस्थान जुडिशरी में। अब बात करते हैं एमपी की। देखो मैंने एमपी का बताया था आपको, एमपी हाईकोर्ट ने रिट डिसमिस करी है, मतलब एमपी हाईकोर्ट क्या, एमपी मतलब सुप्रीम कोर्ट में मैटर क्या था, पीआईएल फाइल की गई थी, उन्होंने डिसमिस कर दी वो रिट, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाईकोर्ट में जाएं फिर हमारे पास आए, तो हाईकोर्ट में मैटर पेंडिंग है, और उनसे जवाब भी मांगा अथॉरिटी से, उस पर मैंने वीडियो बना रखा है डिटेल में, इसमें नहीं बताऊंगा। और एमपी वैकेंसी जब तक वो डिसीजन नहीं आएगा, आप मान के चलो नहीं आ रही वैकेंसी, बट ये भी हो सकता है कि वो नोटिफिकेशन निकाल दे और बोल दें कि जजमेंट हाईकोर्ट के जजमेंट पे डिपेंड करता है, हम फॉर्म तो फिल करा रहे हैं, अगर ऐसा कुछ भी हो सकता है जैसे हरियाणा ईडीएम में हुआ था, तो ये चीजें भी हो सकती है। तो आप मान के चलो इस साल के एंड तक आपको एमपी जरा डिसीजन आ जाएगा। देखो जो एजुकेशन वाले मैटर होता है ना, उसमें हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ज्यादा टाइम नहीं लेते, वो जल्दी मतलब उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं, उसको फैसला सुनाते हैं, ऑर्डर निकालते हैं, जजमेंट निकालते हैं, इसलिए बच्चों का भविष्य खराब ना हो, सारी चीजें ना हो, तो आपको उसमें जल्दी जल्दी डिसीजन देखने को मिलेगा। जैसे कुछ आएगा अपडेट, जैसे लास्ट हियरिंग का मैंने वीडियो बना दिया था एमपी का जो हुआ था, अगर वो वीडियो नहीं देखा हो तो जाके चैनल पे देख लो आप लोग, मैंने बता दिया था। अब जैसे नेक्स्ट हियरिंग का कुछ पता चलेगा तो वीडियो बना के बता दूंगा, बस आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, जैसे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए, बेल आइकन भी दबा देना और आपको वीडियो पता चल जाए सारी। और मैं लॉ ऑफिसर की वैकेंसी भी कहीं पे भी आए, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी आए, अपकमिंग वैकेंसी, मैं सारी चीजें अपडेट देता हूँ चैनल पे लॉ से रिलेटेड, तो आपको बस चैनल सब्सक्राइब करना है। तो एमपी का मान के चलो अगले साल तक ही होगा, वैसे हर साल होता है एमपी का, तो एमपी का मान के चलो कि टाइम इसलिए लग गया, नहीं तो जून जुलाई जुलाई अगस्त में ही आ जाती है एमपी जुडिशरी की वैकेंसी, पर ये रूल्स चेंज हो गए 3 साल का 70%, ये सारी चीजें हो गई। अब बात करते हैं दिल्ली का। देखो दिल्ली का आपने लास्ट टाइम नोटिफिकेशन देखा होगा 2022 में, कि उन्होंने बोला था, नोटिफिकेशन आया था शायद एक, अगर मुझे जहां तक याद है, आप लोग को भी याद हो तो कमेंट करके बताना, कि हर साल 2 बार वैकेंसी कराई जाएगी दिल्ली जुडिशरी की, पर 2022 में भी एक बार हुई है, 2023 में एक बार भी नहीं आई, तो ये मान के चलो दिल्ली की वैकेंसी आपको इस साल के अंत तक आपको देखने को मिलेगी। दिल्ली हायर जुडिशरी की तो वैकेंसी आ गई दिल्ली में, लोअर जुडिशरी बची है, तो आपको इस साल के अंत तक आपको दिल्ली जुडिशरी की वैकेंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि एक बार तो वो पेपर करवाएंगे, लास्ट टाइम भी वैसे उन्होंने बोल रखा है उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, अगर आपको ध्यान हो तो 2 बार करवाएंगे हर साल, बट अब उस एक बार तो इस बार एक बार भी नहीं आई, तो आपको देखने को मिलेगी। पता नहीं क्यों लेट है, ये तो वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली थी, बट अब क्या रीजन है, गवर्नमेंट है, अब वो अपन कुछ कर नहीं सकते, गवर्नमेंट के आगे किसके किसकी चलती है। तो दिल्ली जुडिशरी की वैकेंसी आपको इस साल के अंत तक या नवंबर में, या मैं वीडियो डाल रहा हूं उस टाइम भी आ जाए, या वीडियो आपको कल देखने को परसों देखने को मिले, कभी भी उस बीच अगर वैकेंसी आ जाए तो समझना कि मैं वीडियो पहले बनाया हुआ है। तो दिल्ली जुडिशरी की वैकेंसी आपको देखने को जल्दी मिलेगी, तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट रखें। मैं आपको अपकमिंग वैकेंसी बता रहा हूं जो आप लोग देख सकते हो सारी, और आपको एमपी की बता दी, दिल्ली की बता दी, हरियाणा की बता दी, अब यूपी की बस्ती है। देखो तो यूपी की वैकेंसी आपको साल के एंड में या अगले साल स्टार्टिंग में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि यूपी में मतलब आपको पता है 2024 में इलेक्शन है, 2024 में यूनियन मतलब स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं है, अपने सेंटर गवर्नमेंट के इलेक्शन है, तो उस टाइम आपको काफी वैकेंसी देखने को मिलेगी, और यूपी में तो काफी वैकेंसी का नंबर खाली है। और दिल्ली का बता देता हूँ आपको कितनी वैकेंसी आएगी, 80+ वैकेंसी आएंगी,
दिल्ली में, कम से कम मान के चलो 80+ वैकेंसी होगी। और वैसे लगभग कितनी वैकेंसी खाली है लोअर कोर्ट में वो मैं आपको बता देता हूँ। ये फोटो देखो, ये ऑल ओवर इंडिया का है जो पार्लियामेंट में डेटा पेश किया था। दिल्ली में लगभग 181 वैकेंसी खाली है अभी, जो एडीजे की भी हो सकती है, एसीजेएम की भी हो सकती है, पर लोअर जुडिशरी की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी 80+ करीब आपको लोअर जुडिशरी की वैकेंसी देखने को मिलेगी। उसका रीजन है डीजेएस में प्रमोशन भी हुआ है और प्रमोशन भी हुआ, काफी टाइम से वैकेंसी नहीं आई, तो कोर्ट भी वैकेंट है, तो 80+ वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी दिल्ली में। हरियाणा मैंने आपको बता दिया, न्यूज के अकॉर्डिंग 241 है, वैसे सुप्रीम कोर्ट में जो बोला था उसके अकॉर्डिंग 175 है, तो 175+ लेके चलो आप। और राजस्थान गवर्नमेंट में जो आरजेएस है उसकी वैकेंसी आपको 140 तो नोटिफाई हो रखी है, अगर अगले साल नोटिफाई और जनवरी, हर जनवरी में वैकेंसी नोटिफाई होती है राजस्थान में, तो आपको और भी 140+ तो वैकेंसी देखने को मिलेगी। और वैसे राजस्थान में कितनी वैकेंसी खाली है मैं आपको बता देता हूँ, इसके बाद तो कोर्ट और नोटिफाई हो गए, 11 वैकेंसी और बन गई है, उसमें मैंने वीडियो बनाया था। राजस्थान में आपको काफी अच्छी वैकेंसी देखने को मिलेगी, 258 अभी वैकेंसी खाली है, अभी 11 और खुल गई है, तो 250+ वैकेंसी है तो खाली है अभी राजस्थान में। तो अभी मान के चलो कि राजस्थान में काफी अच्छा नंबर आने वाला है, और यूपी का आपको साल के एंड में या 2024 के स्टार्टिंग में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। और यूपी में 1210 करीब वैकेंसी खाली है, ये लोअर कोर्ट की है, तो ये मान के चलो इसमें एडीजे भी होगा, डीजे भी होंगे, एसीजेएम भी होंगे, बट लोअर जुडिशरी में इतनी वैकेंसी खाली है, तो आपको 300-400+ वैकेंसी तो देखने को मिलेंगी यूपी में भी। तो ये सारी वैकेंसी कवर कर दी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जरूर जाना, कमेंट भी करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ये आ रहा है ना हरारा, इसको इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो कर लो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। आपसे मिलेंगे अब अगले वीडियो में।